सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम जय कुमार तिवारी है और मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। सेवानिवृत्त के बाद से ही मैं जन उपयोगी शासनादेशों, बिल्डिंग बायलॉज, कंपाउंडिंग बायलॉज और विकास प्राधिकरण तथा हाउसिंग बोर्ड में मानचित्र स्वीकृत कराने से संबंधित जो भी नियम हैं उनकी जानकारी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। इसी कड़ी में आज का टॉपिक है, कोई भी आदमी अगर अपना भवन या भूखंड का नक्शा विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद में स्वीकृत कराने जाता है तो उसके मन में कई विचार आते हैं। वो ये जानना चाहता है कि हमारे भूखंड पर कितना हमें कवर्ड एरिया मिलेगा, कोई हमें सेटबैक छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा, कितनी मंजिल तक हम अपने बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं, या मुझे इसमें पार्किंग छोड़नी पड़ेगी या नहीं छोड़नी पड़ेगी, या मेरे भवन की ऊंचाई कितने मंजिल तक स्वीकृत हो सकती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के लिए सबसे पहले हमें चार फैक्टर पर ध्यान रखना होता है। ये वो फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि उस भूखंड पर कितना हमें निर्माण मिल सकता है। फैक्टर्स हैं, नंबर एक सेटबैक, उस भूखंड का सेटबैक कितना है। नंबर दो ग्राउंड कवरेज। नंबर तीन फ्लोर एरिया रेशियो या FAR। और नंबर चार है पार्किंग। नंबर पाँच है हाइट। सेटबैक से शुरू करते हैं। दोस्तों, सेटबैक की जो परिभाषा है वो ये है कि किसी भी भूखंड की बाहरी सीमा रेखाओं के समानांतर खींचे जाने वाली ऐसी रेखा जिस रेखा के और बाहरी सीमा रेखा के बीच में हमें कोई भी निर्माण करने की अनुमति नहीं मिलती है। हम आपको इसको चित्र के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये हमारी रोड है, इस रोड पे ये हमारा भूखंड है। इस भूखंड की एक साइड 40 मीटर है, दूसरी साइड 25 मीटर है। तो हमारे बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से, जो इस समय प्रचलित बिल्डिंग बायलॉज है, भूखंड का एरिया हो गया इसका 1000 वर्ग मीटर। 40 में 25 का गुणा करेंगे 1000 वर्ग मीटर। रेजिडेंशियल लैंड यूज के लिए, रेजिडेंशियल प्लॉट है अगर ये, इस उदाहरण के लिए जिसका भूखंड का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, इसके लिए फ्रंट सेटबैक 6 मीटर निर्धारित है, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं चित्र में। ये आगे आपको 6 मीटर छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह रियर सेटबैक भी 6 मीटर निर्धारित है, ये पीछे भी आपको 6 मीटर छोड़ना पड़ेगा। और इसके दो तरफ साइड सेटबैक निर्धारित हैं, आगे फ्रंट सेटबैक 6 मीटर, रियर सेटबैक 6 मीटर, और साइड वन और साइड टू, इसमें दोनों साइड सेटबैक छोड़ने पड़ते हैं 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट में। हमारी बिल्डिंग बायलॉज में ये प्राविधान है आवासीय भूखंड के लिए। जैसे जैसे भूखंड छोटा होता है तो सेटबैक कम रहते हैं। छोटे भूखंडों में केवल फ्रंट और रियर में ही सेटबैक होते हैं, साइड में सेटबैक नहीं छोड़े जाते हैं। और भूखंड जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे सेटबैक थोड़े बढ़ते जाते हैं और साइड के सेटबैक की भी आवश्यकता होती है। सेटबैक हमारे भूखंड के भू उपयोग पर भी निर्भर करता है, सम्मुख सड़क की चौड़ाई पर भी निर्भर करता है। और आवासीय एकल आवासीय भवनों के लिए अलग सेटबैक हैं, ग्रुप हाउसिंग, होटल्स, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, सबके लिए अलग अलग सेटबैक का निर्धारण हमारी बिल्डिंग बायलॉज में संबंधित चैप्टर्स में दिया हुआ है। बिल्डिंग बायलॉज का जब हम विश्लेषण करेंगे तो उसमें ये चैप्टर वाइज इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक कॉन्सेप्ट के रूप में कि कौन से की गवर्निंग फैक्टर्स हैं जो आम आदमी ये समझ पाए कि हमारे भूखंड पे नक्शा पास होने की क्या क्या की फैक्टर्स हैं, कितना कवरेज मिलेगा, इन सब बातों के अभी प्राइमरी डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। तो उदाहरण में हम लोग बात कर रहे थे 1000 वर्ग मीटर के रेजिडेंशियल भूखंड पे आगे 6 मीटर, रियर सेटबैक 6 मीटर, और इसमें साइड जो वन है ये 3 मीटर छोड़नी होती है। इसी तरह इसमें साइड टू है, दोनों तरफ इसमें सेटबैक छोड़ना पड़ता है, साइड में ये 1.5 मीटर इसमें छोड़ने का प्रावधान है हमारे बिल्डिंग बायलॉज में। तो ये जो आगे पीछे साइड वन साइड टू, ये जिसको हम टिक कर रहे हैं, ये जो लैंड का एरिया है, इस एरिया में आपको कुछ भी बनाने को नहीं मिलेगा, इसी को कहते हैं सेटबैक। ये इतना आपको ओपन छोड़ना पड़ेगा। और ये सेटबैक छोड़ने के बाद हम जिस पर पेन चला रहे हैं, ये जो लाइन है सेटबैक छोड़ने के बाद, अंदर जो लैंड बच रही है, जो एरिया बच रहा है जिसपे कि हमें निर्माण करने की अनुमति मिलेगी,
इसको हम हैच कर देते हैं, इस हैच किए हुए पोर्शन पर ही हमें निर्माण करने की अनुमति मिलेगी। अब दूसरे पॉइंट में बात करेंगे, तब इस पे डिस्कस करेंगे कि इस हैच किए हुए एरिया में भी हमें कितना परसेंटेज कवरेज करने को मिलेगा। अभी हमने बताया दोस्तों, ये प्लॉट के साइज पर निर्भर करता है, शायद हमने 1000 का उदाहरण के रूप में लिया तो इस सेटबैक की बात हो रही है। आगे बात करते हैं, ये हैच किए हुए एरिया पे हम दोबारा पेंट चला रहे हैं, इस आउटर लाइन को जिसके अंदर ये कवर वो एरिया है जिसमें निर्माण की अनुमति मिलेगी, इस लाइन को हम बिल्डिंग एनवेलप कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक प्लॉट के सेटबैक छोड़ने के बाद जो बिल्डिंग एनवेलप बचता है उस बिल्डिंग एनवेलप के अंदर ही हमें निर्माण की अनुमति मिलती है। ये हो गया नंबर वन सेटबैक की डेफिनेशन, सेटबैक का क्लारिफिकेशन। अब बात करते हैं ग्राउंड कवरेज की। ग्राउंड कवरेज दोस्तों, इसकी परिभाषा ये है कि हमें किसी भी भूखंड पर, भूतल पर, ग्राउंड लेवल पर कितनी कवरेज मिल सकती है उसको हम ग्राउंड कवरेज कहते हैं। इसके लिए भी हमारे बिल्डिंग बायोलॉजी में चैप्टर वाइज, भूपयोग वाइज, सड़क की चौड़ाई वाइज डिटेल्स चार्ट बने हुए हैं कि रेजिडेंशियल में कितना कवरेज, कितने भूखंड पे प्लॉट साइज के हिसाब से कितना मिलेगा, पूरा चार्ट बना हुआ है। कमर्शियल में, ग्रुप हाउसिंग में, होटल्स में, सबके लिए अलग अलग निर्धारित है ग्राउंड कवरेज का। हम बात अभी कर रहे थे उदाहरण में रेजिडेंशियल 1000 वर्ग मीटर के लिए, समझने के लिए। तो रेजिडेंशियल 1000 वर्ग मीटर में ग्राउंड कवरेज बिल्डिंग बायोलॉजी में 50% है। मतलब इस भूखंड का जो भी क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, तो इसका 50% ही हमें ग्राउंड कवरेज मिलेगा। 1000 का 50% हुआ 500 वर्ग मीटर। मतलब ये कि 1000 वर्ग मीटर के आवासीय भूखंड पर सेटबैक छोड़ने के बाद दूसरा जो गवर्निंग फैक्टर है वो ग्राउंड कवरेज है। बिल्डिंग एनवेलप के अंदर हमें 500 वर्ग मीटर कवरेज मिलेगी अधिकतम। इससे कम भी आप निर्माण करते हैं वो आपकी च्वाइस है। अब हम ये देखते हैं कि सेटबैक लाइन और आउटर बाउंड्री लाइन के बीच में जो जगह छूट गई है बिल्डिंग एनवेलप के बाहर वो कितनी है, इतने पे डिस्कशन करते हैं, कैलकुलेशन से देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रंट सेटबैक में कितनी जगह जा रही है, FSV कहते हैं फ्रंट सेटबैक को, 6 मीटर चौड़ा है, 6x25 मीटर इसकी प्लॉट की चौड़ाई है, तो हो गया ये 150 वर्ग मीटर। इसी तरह रियर सेटबैक 6 मीटर चौड़ाई है इसकी, पीछे के सेटबैक की 25 मीटर प्लॉट की चौड़ाई है, तो ये भी होगा 150 वर्ग मीटर। अब बात करेंगे साइड सेटबैक की। साइड सेटबैक यहाँ से शुरू होता है और ये 3 मीटर की चौड़ाई है। जब पूरा भूखंड 40 मीटर लंबाई है इसकी साइड की, आगे 6 मीटर छूट जाएगा, पीछे 6 मीटर छूट जाएगा, 12 मीटर छूट गया, 40 में से 12 चला गया, तो ये बचा 28। साइड वन कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई हुई 28 × ये 3 मीटर, इसका कितना हुआ 84 स्क्वायर मीटर, ये साइड वन छूट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 84 आता है। इसी तरह साइड वन 1.5 मीटर चौड़ाई है, साइड टू इसी तरह बात करते हैं साइड टू की चौड़ाई 1.5 मीटर है, तो साइड टू में छूटेगा 28 मीटर प्लॉट की जो लंबाई है उसमें आगे और पीछे के सेटबैक छोड़ने के बाद, 1.5 मीटर बराबर ये हो जाएगा 42 मीटर। अब टोटल करते हैं कितना जा रहा है, ये 426 स्क्वायर मीटर आपको बिल्डिंग एनवेलप के बाहर और आउटर बाउंड्री वाल के बीच में सेटबैक के प्रभाव से ये एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हम 1000 वर्ग मीटर का टोटल भूखंड था, इसमें अगर हम 426 मीटर छोड़ देते हैं तो आपका 574 स्क्वायर मीटर बिल्डिंग एनवेलप के अंदर एरिया बचता है जिसमें आपको निर्माण की अनुमति मिलेगी, लेकिन आपको 574 की अनुमति वास्तव में नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा ग्राउंड कवरेज गवर्निंग फैक्टर है और ग्राउंड कवरेज यहाँ अभी हम लोग बात कर रहे थे, ग्राउंड कवरेज में 50% ही अनुमन्य है और ग्राउंड कवरेज 50% के अंदर इसमें 500 वर्ग मीटर ही आपको अनुमति मिलेगी। भले ही हमारा बिल्डिंग एनवेलप में 574 वर्ग मीटर एरिया बचा हुआ है, लेकिन हमें जो परमिसिबल है वो 500 तक ही इसमें निर्माण की अनुमति मिलेगी 500 वर्ग मीटर के, भले ही इसके बिल्डिंग एनवेलप के अंदर 574 वर्ग मीटर बच रहा है क्योंकि ये दूसरा गवर्निंग फैक्टर है। अब उसमें क्या होगा कि आपको जो 500 और 574 का डिफरेंस है 74 वर्ग मीटर, ये आप अपनी सुविधा से बीच में कहीं छोड़ सकते हैं, ओपन एरिया, ओपन कोर्टयार्ड के रूप में, या सेटबैक को बड़ा करके यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बिल्डिंग एनवेलप के अंदर कुल 500 वर्ग मीटर ही एरिया बनाने को मिलेगा। ये गवर्न करता है कि हमें निर्माण कितना करने को मिलेगा किसी भूखंड में। चलिए दोस्तों अगले बात करते हैं FAR की। FAR होता है दोस्तों किसी भी भूखंड पर सभी तलों पर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या जितने तलों पर निर्माण की अनुमति मिल सकती है, सभी तलों पर जो भी टोटल कवर्ड एरिया है उस
फिगर को, टोटल कवर्ड एरिया को अगर हम प्लॉट के एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो जो फिगर निकल के आती है वो FAR कहलाती है। चलिए इस केस में डिस्कस करते हैं। इस केस में हमने देखा था कि प्लॉट का एरिया 1000 वर्ग मीटर है और रेजिडेंशियल में 1000 वर्ग मीटर के 50% जैसे पहले डिस्कस किया था 500 वर्ग मीटर हमें कवर्ड एरिया मिल सकता है। तो बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर पर हमें 500 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया मिल जाएगा और जो भवन विधि है हमारी बिल्डिंग बायलॉज है, बिल्डिंग बायलॉज में 1000 वर्ग मीटर के रेजिडेंशियल भूखंड पर 1.25 FAR अनुमन्य है। FAR भी प्लॉट के साइज और प्लॉट के यूज के हिसाब से, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, होटल सबके लिए अलग अलग है। बिल्डिंग बायलॉज में 1000 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए 1.25 FAR निर्धारित है। तो ये क्या हुआ 1.25, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 50% के अनुसार 500 वर्ग मीटर आपको कवर करने को मिल रहा है। इसी तरह इसके ऊपर निर्माण करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर भी 500 वर्ग मीटर निर्माण हो जाएगा। अब 1.25 जो FAR है बिल्डिंग बायलॉज में जो निर्धारण है 1000 वर्ग मीटर रेजिडेंशियल के लिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि अगर भूखंड का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, 1000 वर्ग मीटर जो यहां हम लोग बात कर रहे थे, 1000 वर्ग मीटर में अगर 1.25 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1250। पूरे भूखंड पर सभी तलों पर मिलाकर जो निर्माण का अनुमति मिलेगी जितने कवर्ड एरिया की वो 1250 की ही मिलेगी। अब देखते हैं कि 1250 को हम लोग कैसे बाइफरकेट करते हैं। हमने यहाँ बात की थी कि ग्राउंड फ्लोर पर हमें 500 वर्ग मीटर मिल रहा है 50% के हिसाब से, फर्स्ट फ्लोर पर भी इसके बराबर 500 वर्ग मीटर हम करेंगे और टोटल हमें 1250 ही मिल रहा है। तो ये 1000 ये हो गया 500 प्लस करके, तो मेरे पास केवल 250 वर्ग मीटर बचा। मतलब क्या हुआ कि सेकेंड फ्लोर पर हम जो निर्माण करेंगे वो 250 वर्ग मीटर ही कर सकते हैं अधिकतम, और इसका टोटल करेंगे तो 1250 वर्ग मीटर हो गया। मतलब क्या है कि FAR जो ये फैक्टर है 1.25 इसने हमें कंट्रोल कर दिया कि भाई तीसरी मंजिल पे आप फिर से 500 नहीं बना सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन करने का गवर्निंग फैक्टर है। अगर 1.25 FAR है तो अधिकतम 1250 ही बना सकते हैं। इसी तरह प्लॉट का साइज जैसे जैसे डिफरेंट होता है FAR का फैक्टर भी डिफरेंट होता है और उसी के अनुसार टोटल कवर्ड एरिया निकल आता है। आप निर्धारित कर पाते हैं कि हम किस तल पे कितना बना सकते हैं। ये इस का मतलब हुआ फ्लोर एरिया रेशियो का, इसको FAR भी कहते हैं। FAR के संबंध में और भी कुछ डिस्कशंस हैं जिसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे, जैसे कि FAR क्या होता है, FSI क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, परचेजेबल FAR क्या होता है, कंपनसेटरी FAR क्या होता है और FAR शुल्क कितना लगता है, उसके क्या क्या अपेक्षाएं हैं, किस जगह दिया जा सकता है, इन सब बातों के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा है, ताकि आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हाइट की। दोस्तों किसी भी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो सकती है इसमें उसके सम्मुख रोड की चौड़ाई, उसका उपयोग, प्लॉट का साइज और किस कैटेगरी का प्लॉट आप बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि बहुमंजिली भवन है उसके लिए हाइट अलग से निर्धारित है, एकल आवासीय भवन है उसके लिए हाइट अलग से निर्धारित है। तो ये गवर्निंग फैक्टर है हाइट का भी, ये आपको बिल्डिंग बायोलॉजी में अलग अलग चैप्टर्स में इसका निर्धारण है, आप वहां से देख सकते हैं। ये हाइट भी जैसे कि मान लीजिए आप 500 वर्ग मीटर बना सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 20 वर्ग मीटर एक भूतल पे बना लें और टोटल 1250 वर्ग मीटर आपको मिल रहा है, तो आप 20-20 वर्ग मीटर बना के 60 मंजिल ऊपर बना सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुमंजिला भवन नहीं है, आवासीय एकल आवासीय भवन है। तो एकल आवासीय भवन, बहुमंजिली भवन और इन सब के लिए रोड की चौड़ाई और यूज के हिसाब से हाइट का निर्धारण भी बिल्डिंग बायलॉज में है, वो आप उसमें देख के समझ सकते हैं। दोस्तों अब बात आई पार्किंग की। पार्किंग कैसे छोड़ी जानी है, पार्किंग के लिए भी बिल्डिंग बायोलॉज में अलग से चैप्टर है, लैंड यूज के हिसाब से किस उपयोग में कितनी पार्किंग चाहिए, गाड़ी के लिए कितना स्पेस चाहिए और वो FAR में शामिल होगा या नहीं होगा, ये सब डिस्कशन का बिंदु है और बिल्डिंग बायोलॉज में इसके लिए नियम निर्धारित हैं। अगले वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे पार्किंग के लिए कि पार्किंग में कितना एरिया FAR में जाएगा या नहीं जाएगा। तो एकल आवासीय भवनों में भी उसके कवर्ड एरिया के हिसाब से, डॉलिंग यूनिट के हिसाब से पार्किंग छोड़नी आवश्यक है। इसमें भी बेसमेंट भी मिल जाता है, कुछ कंडीशन में नहीं भी मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको पार्किंग भी छोड़नी होती है। तो ये 5 गवर्निंग फैक्टर थे जिनमें हम लोगों ने बात करी। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे FAR के संबंध में, FAR, FSI,
परचेजेबल एफएआर और कंपनसेटरी एफएआर क्या होता है और फिर शुल्क की गणना वगैरह कैसे की जाती है आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये हम लोग की फैक्टर्स पे डिस्कशन करते कर रहे थे इस वीडियो में, अगर पूरे मानचित्र में क्या क्या नियम हैं, कितना शुल्क लगता है इसके बारे में जानना चाहते हैं और कौन कौन सी एनओसी नक्शा पास कराने के लिए आवश्यक है ये जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने मानचित्र स्वीकृत करने से संबंधित और कौन कौन सी एनओसी है उसके संबंधित साइट सिलेक्शन के संबंध में एक वीडियो कलेक्शन प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।